हेलो गाइस, टैरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके दुख का सबसे बड़ा कारण या रहस्य कौन है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके दुख का सबसे बड़ा कारण कौन है या आपके दुख का रहस्य क्या है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स की एनर्जी ज़्यादा आई है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स और जस्टिस। ओके, टेम्परेंस। ओके जी, तो आपके दुख का सबसे बड़ा रीज़न या आपके दुख का सबसे बड़ा रहस्य क्या है। देखो, मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगी गाइस कि यहाँ पर सबसे पहली बात ये लग रही है कि आपके दुख का सबसे बड़ा रीज़न जो है ना कहीं आपका पैसों का मामला जो है ना वो बीच में आता है। अब इस पैसे के मामले में बीच में आने के बहुत सारे कारण है गाइस, यही नहीं कि आपको सक्सेस में देखकर लोग आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं या कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने की, दुख पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये तो हो सकता है, ये भी बड़ा रीज़न है, लेकिन इसके अलावा इसके पीछे एक और रहस्य की तरफ से देखें ना तो और कई सारे कारण नज़र आते हैं जो अलग अलग व्यूवर्स के साथ मैच होंगे, डेफिनेटली होंगे। जैसे कई बार क्या होता है कि किसी इंसान के ना बचपन से पता चल जाता है या फिर बहुत पहले से पता चल जाता है कि ये इंसान जो है ना अपने इस हुनर के आधार पर या फिर अपने इस क्षमता के आधार पर आगे चलकर कभी ना कभी सक्सेस पा ही लेगा, है ना। यानी क्या है कि आपके सक्सेस के बारे में शायद आपको उतना पता नहीं होगा, आपके हुनर या आपकी कैपेबिलिटी के बारे में उतना आपको पता नहीं होगा जितना और लोगों को पता था कि ये भविष्य में कभी ना कभी कुछ ना कुछ कर सकते हैं, है ना। या आपके प्रयास किसी काम को लेकर किसी ने इतने देखे हैं कि उनको एक डर था कि अगर इसी गति से ये आगे बढ़ेंगे तो इनका फ्यूचर सेफ हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक बात थी कि आज नहीं तो कल आपका फ्यूचर जो है ना फाइनेंशियल मैटर को लेकर, आर्थिक तौर पर लेकर आप अपने भविष्य को सुधार लोगे। ये बात, ये मुझे ऐसा इस रीडिंग के आधार पर बहुतों लग रहा है गाइस कि मालिक ने आपको वो क्षमता दी है और जिसका आधार बनाकर कहीं ना कहीं उसका आपने यूज़ भी किया है। और ये भी कह सकते हैं गाइस कि अभी का नहीं कह रहे लेकिन पहले हो सकता है कि आपने उस आधार पर बहुतों सफलता प्राप्त की है और यही लोगों के दिमाग में रहा कि अगर इसी तरीके से ये सफलता प्राप्त कर लेंगे तो इनका फ्यूचर सेफ हो जाएगा। यानी इंटेंशन क्या है इस मामले में, आपकी सफलता के बीच में आना ये तो है, लेकिन पैसों के मामले पर आपको तोड़ना ये सबसे बड़ी इंटेंशन थी, है ना। तो ये आपके दुख का रीज़न बना। कहीं ना कहीं आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि आप कुछ भी काम करने की कोशिश कर लो या फाइनेंशियल मैटर को लेकर कितना भी सिक्योर होने की कोशिश कर लो ना, मतलब आपको कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव का सामना करना ही पड़ता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि नज़र का होना, है ना, जानबूझकर इस मामले को लेकर आपको कमज़ोर किया जाना। ये भी हो सकता है कि आपका बिहेवियर बड़ा स्ट्रांग है जो और किसी मामले को लेकर काबू में नहीं आ सकता, है ना। हो सकता है कि आपको आपको इमोशनली भी तोड़ने की कोशिश की गई,
लेकिन कहीं ना कहीं आपने वहां पर भी अपना स्ट्रॉन्ग बिहेवियर बताया, तो लोगों के पास में आपको तोड़ने के लिए इसके अलावा और कोई सोर्स नहीं है। क्योंकि यहां एक बात पता चल रही है कि अपनी हेल्प आप कर लेते हो। कैसे? मतलब वही बात, जैसे ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्या कहता है कि कोई हुनर या ब्लेसिंग लेकर कोई बंदा आया है ना, और कुछ लोग होते हैं वो समझ जाते हैं और उसको उसी के आधार पर अपने अपने जीवन को यापन करने की कोशिश करते हैं, सफलता पा लेते हैं, है ना, एक एटीट्यूड भी रखते हैं, वो एटीट्यूड था आप में पहले, है ना, ये भी हो सकता है गाइस। बड़ा मतलब कह सकते हैं यहाँ पर ये रीडिंग क्या कह रही है पता है, यहाँ अभी आपके कुछ बीते हुए सालों के बारे में बात नहीं कर रही है, ये आपके कहीं ना कहीं ये भी कह लो गाइस कि बचपन को लेकर भी बातों को उजागर कर रही है, कि कॉन्फिडेंस का लेवल कभी आपके बचपन में आपका इतना रहा होगा, मैं तो ये भी कर लूँ, मैं तो वो भी कर लूँ, और हर काम करना आपके लिए बड़ा आसान होना, जस्टिस अपने आप के साथ कि मालिक ने मुझे कोई ब्लेसिंग दी है उसका मैं उचित उपयोग करूँ, शायद आपको पता भी नहीं होगा, है ना, लेकिन फिर भी अपने समय का सदुपयोग करना और कहीं ना कहीं कोशिशें करते जाना और उन कोशिशों में हर एक बार सफलता मिलना। आपकी लाइफ में आपको लेकर कंपटीशन बहुत रहे हैं, होड़, कंपटीशन का मतलब ये नहीं कि वो एग्जाम वाले या ये गवर्नमेंट जॉब वाले कंपटीशन, ना जी, यहाँ पर इंसानों की होड़ आपसे बहुत रही है कि कहीं आप आगे ना बढ़ जाओ, है ना, या हो सकता है कि आपको देखकर, आपके स्ट्रॉन्ग बिहेवियर को देखकर, आपकी धीरे धीरे जो सफलता मिल रही थी उसकी गति जो बढ़ रही थी ना, वो लोगों को कहीं ना कहीं आपका शत्रु बनाती गई। अब सफलता आप अपनी मेहनत के आधार पर कर रहे हो, ये उनको ये बात नजर नहीं आ रही है ना, या आपने अपनी लाइफ में कितने कष्ट सहे होंगे, कितने प्रयास किए होंगे, कितनी असफलताएं झेली होगी, वो लोगों ने नहीं देखा, उनको नजर आती है सिर्फ और सिर्फ आपकी सफलता, आपके चेहरे पर मुस्कान, कभी जो रोए ना वो नजर नहीं आ रहा उनको, और ये कंपटीशन मचाने की कोशिश करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये पता है ये कार्ड क्या कहता है, ये बहुत बुरा कार्ड है अपने आप में, जो ये कहता है कि किसी इंसान, कोई इंसान जो है ना ये चीज दिमाग में रखता है अपने कि किसी और इंसान को निहत्ता कैसे किया जाए। यहाँ पर निहत्ता का मतलब क्या है कि उसे, उसकी कमजोरी क्या है या उसे किस आधार पर तोड़ा जा सकता है, और जिस आधार पर तोड़ा जा सकता है उसी का प्रयास करना। मुझे ऐसा लगता है आपकी लाइफ में इस तरीके के प्रयास बहुत हुए हैं और कहीं ना कहीं आपको पता भी था या पता भी है कि ये लोग कौन हैं। चर्चाएं आपके बारे में खूब होती है गाइस, है ना, खूब होती है, आपने अंधविश्वास भी हर किसी लोगों पर किया है, इवन मदद भी ऐसे लोगों की है आपने जहां पर आपको करनी भी नहीं चाहिए थी, और ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है कि हाँ आज पता चल रहा है कि मुझे वहां किसी इंसान की मदद नहीं करनी चाहिए थी, उल्टा मैंने उनकी मदद की और देखो वो मेरे शत्रु बन गए, है ना, ये कितना बड़ा गलत हो गया आपके साथ। है कुछ लोग आपके लाइफ में जो आपके लिए दुख का रीजन बन रहे, अब ये मैं नहीं कहूंगी कि पैसा जो है ना ये आपके दुख का रीजन बना, ये बना ही नहीं है गाइस, एक्चुअल में ये मामला तो है ही नहीं, ये क्या बता है, दिख कुछ और रहा है और वाकई में परिस्थिति कुछ और है, ये एकदम करेक्ट बात आपके साथ बीती है कि चीजें कुछ और है, नजर कुछ और आ रही है, आपको लगता है कि फाइनेंशियल मैटर को लेकर आप दुखी रह रहे हो, हकीकत तो ये है ही नहीं, ये तो एक बादल सा है नेगेटिविटी का, इसके पीछे का तो चित्र ही कुछ और है, इसके पीछे है कुछ लोगों का हाथ, उनकी सोच गंदी जो आप तक नहीं पहुंच पाते या आप जितनी मेहनत नहीं कर पाते, क्योंकि आपने मेहनत बहुत दी है, जैसा कहा ना कि असफलताएं भी बहुत ज्यादा झेली होगी, मेहनत भी बहुत दी है आपने, तब कहीं जाकर कुछ गति आपकी लाइफ ने पकड़ी, लेकिन वो चीजें, वो संघर्ष जो है ना वो लोगों को दिखाई नहीं देता, सिर्फ एक सफलता नजर आ रही है कि इनके हाथ में पैसा आ रहा था, उसको रोकना कैसे है, तो उसके लिए क्या प्रयास किए गए, आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की गई, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने की कोशिश की गई, क्योंकि ऐसे आप काबू में आने वाले थे नहीं, हो सकता है इमोशनली जैसा मैंने कहा कि आपको तोड़ने की कोशिश की, वहां पर भी आप नहीं रुके, तो आपकी कमजोरी क्या है उसको, उसको ढूंढना, उसकी खोजबीन बहुत हुई है, और जब पता चल गया कि ये कमजोरी है ना, हो सकता है कि इतना स्ट्रेस देना किसी इंसान को कि वो हेल्थ के आधार पर ही कमजोर हो जाए, और हेल्थ के आधार पर कमजोर हो जाए फिर उसका लाभ उठाना, फिर वो काम कर नहीं सकता, सही, यही चीजें हुई, और कहीं ना कहीं
कलेश का वातावरण ऐसा बना देना कि कोई इंसान चाहकर भी अगर हेल्थ भी ठीक हो तब भी वो कुछ ना कर पाए। ये बहुत बड़ी कहते हैं ना कि किसी का दिमाग जो होता है ना, जैसे कि दिन रात बैठकर एक ही बात को उस पर विचार विमर्श करते रहना खुद में ही, कि अब क्या करना है, अब कैसी परिस्थितियों का निर्माण करना है ना। तो मैं एक बात कहूंगी गाइस कि देखो जो कुछ भी हुआ ना, है ना, उसमें खुद को गिल्ट में मत लेकर आना कि कहीं ना कहीं सब का रीजन जो है ना वो आप थे, या आपने खुद के साथ मतलब बुरा कर दिया, अन्याय कर दिया ना। यहाँ पर आपके बारे में बहुत क्लियर वे में गाइडेंस आई है गाइस, कि पहली बात तो देखो ये बात अलग हो गई कि आपने कुछ लोगों पर ऐसा विश्वास कर लिया, ट्रस्ट कर लिया जहाँ नहीं करना चाहिए था, और कुछ लोगों की हेल्प कर ली जहाँ नहीं करनी चाहिए थी। पहला तो सच कहूँ ना, वो दुख का रीजन बन गया आपके। इसके अलावा कुछ लोग और है गाइस जो कहीं ना कहीं आपके सुख में बाधक बनने की कोशिश करते हैं, जो चाहते हैं कि आपके दिल और दिमाग में बैलेंस ना रहे, ताकि आपकी लाइफ के फैसले आप ना ले पाओ, है ना, किसी और लोगों के अंडर में आ जाए, मतलब कोई और लोग जो है ना वो आपकी लाइफ के फैसले लें। इवन मुझे ये भी लग रहा है गाइस कि आपकी लाइफ में जैसे दो या तीन लोग मतलब ऐसे हैं या ऐसे रहे हैं कभी, जिनकी वजह से आपने मतलब यही कह लो गाइस कि अगर कोई आपसे पूछे ना कि आप बताओ कि आपकी लाइफ में का दुख का कारण कौन है, तो आपके दिमाग में मतलब आपको सोचने तक का वो कहता ना कि जरूरत नहीं होती, एक ही बार में आप बता दोगे, कुछ क्षण में ही बता दोगे कि भाई ये इतने लोग हैं, अगर इन लोगों से मेरी लाइफ जुड़ी हुई नहीं होती, या ये लोग कभी लाइफ के आसपास भी नहीं होते ना, या आस पड़ोस के भी नहीं होते ना, तो मेरी लाइफ काफ़ी सुधर गई होती, या आज मेरी लाइफ इतनी बुरी नहीं होती, है ना, या आज मैं कुछ और जगह पर होता, कुछ और जगह पर होती, कुछ और स्थान मुझे मिला हुआ होता। तो ये एकदम क्लियर वे में आपके सामने एक आंसर निकल जाता है, और ये हकीकत भी है गाइस, क्योंकि ये मतलब जैसे कह सकते हैं गाइस कि दो एनर्जी, बहुत बुरी कह सकते हैं बात, दो एनर्जी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जो हमेशा के लिए सत्य के लिए और झूठ के लिए लड़ते गए हैं, है ना। किसी को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है, किसी को अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, जो किसी के साथ शत्रुता भी नहीं रखते, हर किसी की गलती को इग्नोर करके आगे बढ़ने में अपनी समझदारी को दिखाते हैं। बट एक है जो कुछ करना नहीं चाहते, बस वो ये है कि उनमें द्वेष भाव है कि ये कहीं आगे ना बढ़ जाए, तो इनके सुख में बाधक कैसे बना जाए, फिर बैठे बैठे उनकी कमजोरियों को ढूंढना। ये दो एनर्जी का टकराव जो है ना, आपने हमेशा से फेस किया है अपनी लाइफ में, बचपन से किया है या नहीं किया है, कितना बड़ा रहस्य। शायद ये ऐसी बात रही होगी जो आपने कभी इसका मूल्यांकन नहीं किया होगा गाइस, कभी मूल्यांकन नहीं किया होगा, आपके मन ही मन में चली होगी। ऐसी बात यह है कि आप किसी को कहो तो क्या कहो, और किसी को कहोगे तो वो ट्रस्ट करेंगे भी या नहीं करेंगे। ये एक बंदा कोई एक ऐसी बात कर रहा है, कोई और भी ऐसी बात कर रहा है, कोई तीसरा इंसान भी ऐसी बात कर रहा है। मीन्स कहने का मतलब ये है, एक जैसा बिहेवियर आपकी लाइफ में तीन चार लोगों का आपको देखने को मिला है ना। अगर ये परिस्थितियां नहीं बनी होती, या इन लोगों का बिहेवियर आपके लिए ज्यादा अच्छा ना कहो लेकिन ठीक ठाक होता, या अगर इतना भी नहीं तो ये अगर शत्रुता के भाव नहीं रखते ना, तो आपकी लाइफ में बैलेंस आ गया होता, लेकिन इन्होंने चाहा ही नहीं गाइस। हमेशा से मुझे ऐसा लगता है कि इनकी बातों में एक कहता ना उल्टा भाव, जैसे कि मतलब एक एक संसार की रीत क्या होती है, मैं रीति रिवाजों की बात नहीं करती, एक संसार की रीत क्या होती है इस तरीके से चलना, शायद इनकी इनकी थिंक ऐसी रही है कि बिल्कुल उल्टा चलता है, इनकी सोच बिल्कुल उल्टी है आपको लेकर, अपने बारे में इनकी थिंक कुछ और होगी, है ना, और वही मैटर अगर आपकी लाइफ में आन पड़े तो उसी मामले को लेकर इनकी थिंक जो है ना वो बिल्कुल पलट जाती है, चेंज हो जाती है। मतलब परिस्थिति के आधार पर इनके इनके नियम कायदे चेंज हो जाते हैं, जैसे ही परिस्थिति होती है ना, जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आज ये परिस्थिति है, इस परिस्थिति में ये कहेंगे कि इस तरीके का डिसीजन नहीं लेना चाहिए, यानी ये खुद के मामले को लेकर है
ना, कि इस तरीके का डिसीजन नहीं लेना चाहिए। लेकिन यही परिस्थिति अगर आप पर आ जाए तो ये यही कहेंगे कि नहीं, आपको ये डिसीजन लेना चाहिए। एक ही परिस्थिति में दो व्यवहार क्यों? यहाँ पता क्या लग रहा है, यहाँ पर भुगतान भुगतान और भुगतान ये लग रहा है, और कोई इंसान बड़ा स्ट्रेस में है कि ये चीजें कब तक खींची चली जाएगी। मतलब यहाँ पता है क्या, कि कोई इंसान जैसा ना, एक कहता ना कि गाड़ी जो है ना वो रगड़ रगड़ कर चल रही है, और कोई इंसान कितना इस तरीके से चले अपनी लाइफ में, ये बहुत क्लियर वे में आज बात आई है गाइस। और बहुत कहता है ना कि किसी के मतलब शायद लाइफ में बहुत ज्यादा रोए हो, अपनी आंखों को सुजाया है आपने रो रो कर। एक चीज कहूँ मैं गाइस, लास्ट का कार्ड क्या आया है, जस्टिस का, और ये इंतजार भी चल रहा है आपका। और यहाँ देखो क्वीन ऑफ ये सॉरी, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स और व्हील ऑफ फॉर्चून है ना, व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके सवालों का जवाब गाइस, आपके सवालों का जवाब, आज भी इंतजार कर रहे हो कि ये पैटर्न खत्म हो जाए, ये दुख खत्म हो जाए। प्रोटेक्शन कैसे बनेगी, है ना, कि ये तो चल रही है मैम, ये तो चल रही है, प्रोटेक्शन कैसे बनेगी? देखो प्रोटेक्शन यहाँ पर दो तरीके से बनेगी। सबसे पहली बात समझना, पहली तो आपकी किस्मत आपका साथ देगी, है ना। देखो ये अगर यहाँ तक मैं मैच किया है ना, बिलीव रखना, बिलीव रखना, यहाँ बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है, आपके मन की बात पता चल रही है कि आज भी आप जस्टिस चाहते हो। और ये जस्टिस अब कहते हैं, कह सकते हैं कि आपने ये भी कह दिया मालिक को, अब आप ये जिद समझो या कुछ भी समझो, लेकिन मुझे ये जस्टिस चाहिए आप, क्योंकि एक कहता है ना पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है ना, अब मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय की मांग है, क्योंकि लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा खो दिया है बुरे लोगों के चलते, अब मुझे मेरी किस्मत की खुशी चाहिए, जिसका मैं हक रखती हूँ, मैं हक रखता हूँ, है ना, मेरी किस्मत मेरा साथ दे, मेरा भाग्य मेरा साथ दे, मुझे वो चीज़ चाहिए, मुझे वो खुशी चाहिए, मुझे वो जस्टिस चाहिए मेरे साथ। मैंने जानबूझकर किसी बुरे लोगों की हेल्प नहीं की थी, मुझे पता नहीं था, उतनी समझ नहीं थी, बट चोट खाने के बाद में समझ में आया, लेकिन अब इस गलती को नहीं दोहराऊं, है ना। बट ये बात अगर दिमाग में आ गई और इस गलती को नहीं दोहरा रहे हो ना, बस वहीं से समझ लो कि लाइफ पटरी पर आना स्टार्ट हो गई है ना। क्या कहती हूँ मैं कि 3-3 की एनर्जी अगर आपको दिखने लग गई है गाइस, तो ये समझ लो कि वही बात, ये जस्टिस क्या कहता है, ईश्वर के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। समझ पा रही हूँ आपकी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा आपने गंवाया है, लेकिन आपके साथ जस्टिस होगा, न्याय होगा। यहाँ पर भी लिब्रा की एनर्जी, और ये पूरा जस्टिस का ही कार्ड है, और यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी, जो आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आने की बात कहते हैं गाइस। कैसे आपको मान सम्मान नहीं मिलता, कैसे आपको आपके हक की खुशी नहीं मिलती, सही गलत का आज उचित भेद क्या होता है, सही इंसान कौन है, गलत इंसान कौन है, मुझे किसकी हेल्प करनी है, किसकी नहीं करनी है, चाहे कोई कितना भी सामने से अपने आप को अच्छा बताने की कोशिश करे, वो समझ मुझ में होनी चाहिए कि मैं धोखे को पहचान लूँ, वो है अभी आप में, ये नहीं कह सकते नहीं है, है ना। मुझे पता है, मुझे पता है आप में वो बात है अब, क्योंकि ये देखो इसके पास में ये कार्ड आया, और आजकल एक बात नोटिस करो, ये कार्ड बहुत आता है, जो अपने बिहेवियर में, एटीट्यूड में एक स्ट्रॉन्ग चेंज लेकर आने के बारे में बात करता है। क्या कि जस्टिस चाहते हो, पहले अपने साथ करो जस्टिस, अपने मन मस्तिष्क को बैलेंस में लेकर आओ, है ना, अपनी तरफ से एक ऑरा बना लो, ठीक है, सिर्फ एक कदम आप अपनी तरफ से, डेस्टिनी अपनी तरफ से, देखो कितने एक्शन लेते हैं आपके लिए, जस्टिस लेकर आएंगे आपके साथ, जो इंतजार चल रहा है लंबे समय से, जो 3-3 की एनर्जी भी बताती है आपको, बहुत लंबे समय से आपको नंबर 3-3 नज़र आ रहे हैं, या 3-3 पक्षी नज़र आ रहे हैं, 3-3 फ्लावर नज़र आ रहे हैं, या 3 कलर नज़र आ रहे हैं, ये सबसे पहले न्याय क्या होगा, पहले तो आपके बिहेवियर में चेंज लेकर आना, ताकि आप धोखेबाज लोगों से थोड़ा दूर रहे, उनके इंटेंशन को पहचान जाए, है ना, पहला तो ये। दूसरा, फाइनेंशियल मैटर पर लोग जितना आपको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे ना, उतना ही मालिक आपको स्ट्रांग बनाएंगे, जो कहते हो ना कि आपकी कमजोरी को ही आपकी ताकत बनाना, तो फाइनेंशियल मैटर पर चाहे उतार चढ़ाव आए गाइस, लेकिन आपकी किस्मत बड़ी प्रबल है,
बड़ी प्रबल है, आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से सपोर्ट मिल जाएगा, कोई रास्ता मिल जाएगा, लेकिन आपकी लाइफ में असंतुलन नहीं आएगा कभी इस मामले को लेकर, है ना। तो कभी उतार चढ़ाव आ जाते हैं, दुखी नहीं होना, अपनी किस्मत पर ट्रस्ट रखना, आपकी किस्मत जो है ना बड़ी प्रबल है। अरे ऐसे लोगों को पीछे छोड़ दिया गाइस, या ऐसे लोगों के षड्यंत्रों को विफल कर दिया, इससे बड़ी किस्मत क्या हो, इससे बड़ा बैलेंस लाइफ का क्या हो। मतलब एक बात कहूँ गाइस कि जिसे तोड़ने के लिए बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि ग्रुप हो, है ना, तो उसके लिए उस जंजाल से, उस षड्यंत्र से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप निकले हो, फिर भी निकले हो। कैसे? मालिक की रजा से, मालिक के आशीर्वाद से, आपने अपनी आंखों से देखा है सब कुछ, और सहन करते 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 यहां तक आए हो। और अगर पीछे मुड़कर देखो ना कि लाइफ में क्या क्या सहा है, हाथ पांव धूल जाए आपके कि ये कुछ सहा है, और ये अगर किसी और इंसान के साथ होता ना तो कितना भयंकर आपको रोना आता, ये आपको भी पता है। लेकिन इतनी हिम्मत रखी है ना, तो देखो हिम्मत का रिवॉर्ड है ना मालिक देते हैं। मालिक हमें यही सिखाते हैं गाइस कि कोई भी परिस्थिति हो, है ना, एक बार विचलित हो जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, संवेग है हमारे, अधिकार है हमें, थोड़ा रो कर भड़ास करके अपने दुख को प्रकट करना ताकि एक मन में हल्कापन आ पाए, लेकिन फिर से लाइफ में बैलेंस को लेकर आना और फिर भी चलते चलना, यहाँ पर आपकी हिम्मत का रिवॉर्ड आपको मिलेगा। देखना जस्टिस इस तरीके का होगा आपके साथ, बिलीव रखना गाइस, आपकी किस्मत आने वाले समय में आपका बहुत साथ देगी। और मैं ये कहूँ आने वाला समय ही नहीं गाइस, अगर ये कहूँ कि आपकी किस्मत आपका साथ देने लग गई है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई गलत बात नहीं होगी। देखो अब एक ऐसी बात कहूंगी कि आप कहोगे मैम ये बिल्कुल विरोधी बात है, लेकिन अगर उस बात का आप गहन से मूल्यांकन करो, कभी भी फ्री बैठे हो ना, तब उस बात का जो अभी कहने वाली हूँ उसका मूल्यांकन करोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि किस्मत आपका साथ देने लगी है। जब से आपकी लाइफ में कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है 2 या 3 साल के बीच से, तभी से आपकी लाइफ का एक ऑरा बनने लगा है गाइस, आप चाहे आप मानो ना मानो, तभी से आपकी किस्मत का साथ आपको सबसे ज्यादा मिलना स्टार्ट हुआ है, और आपको मालिक का आशीर्वाद मिलना स्टार्ट हुआ है। अब कहोगे मैम अगर मालिक का आशीर्वाद मिला, किस्मत साथ देने लगी, हमारा ऑरा बना, तो ये तकलीफ इतनी भयंकर तरीके से 2-3 सालों के दरमियान में क्यों सही है? ये जो भी सहा है गाइस, देखो रीजन कुछ भी लोग बने हैं, लेकिन एक कहता ना कि कोई प्रॉब्लम को पूरी जड़ से निकालने के लिए एक बार तकलीफ आपको हुई है, और ये जो प्रॉब्लम इन 2-3 सालों के दरमियान में आपने भोगी है ना, ये आपकी लाइफ के दुखों को खत्म करेगी, ये समझ लो। ये उस तरीके का आपका कांटा जो इतना फंसा हुआ था सालों से, उस कांटे को इस तरीके से निकाल आएगा इसकी एक बार तकलीफ होना समझ में आता है? कितने रोए होंगे, कितने मन मन में चीखे होंगे, मालिक को सब पता है, लेकिन ये घाव भरने के लिए था। इस बात को समझना, मैं हमेशा कहती हूँ कि मालिक की योजना पर डाउट मत करना, इस योजना पर बिलीव रखना, ये आपके साथ न्याय, आपका मान सम्मान, आपके दुख को खत्म करने का प्रमाण है गाइस। और सच कह रही हूँ कि ये थोड़ा टाइम और बीत जाएगा, और जैसा कह रही हूँ कि आपकी लाइफ में सुधार स्टार्ट हो चुका है, कभी कभी समझ में नहीं आता कि लाइफ में सुधार स्टार्ट हो चुका है, परिवर्तन को जब तक इंसान एक्सेप्ट ना करे ना, तब तक वो सुधार देखने को नहीं समझ में आता। अगर चल रहे परिवर्तन को आप एक्सेप्ट कर लो ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि तकलीफ कौन सी तकलीफ से आपको बाहर निकाला जा रहा है, कौन से आपका दुख का जो रहस्य छुपा हुआ है, जो आप किसी को, मतलब आपकी लाइफ की कुछ स्टोरी, कुछ रहस्य ऐसे हैं जो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, वो घुटन देते जाते हैं अंदर, उस पीड़ा को बाहर निकालना जरूरी है ना। मालिक वही कर रहे हैं इस बार, बहुत बड़ा जस्टिस है आपके साथ। ये कांटा निकालते समय जो आपको तकलीफ हुई है ना, ये घाव इतना अच्छे से भरा जाएगा,
आपको कभी याद भी नहीं रहेगा कि कभी ऐसी तकलीफ सही है या कभी ऐसे भुगतान आपने किए हैं। जिन जिन चीजों में लोग आपको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे ना, उन उन चीजों में आपको ऊंचाइयों पर बैठाया जाएगा, उन उन चीजों में आपकी रिकवरी होगी, है ना? बिल्कुल, मालिक पर ट्रस्ट रखो गाइस। आपका जिन चीजों से लगाव था ना, उन्हीं चीजों से आपको दूर करना, ये लोगों की सोच रही है। मतलब आपने अपनी आंखों से बिगड़ती हुई चीजों को बहुत देखा है, लोगों के व्यवहार, शायद आपने अपनों के व्यवहार को बदलते हुए अपनी नजरों से देखा है। घर का माहौल हो सकता है, बिजनेस का हो सकता है, काम का हो सकता है, कुछ भी परिस्थितियों को अपने अपनी नज़र से बहुत नज़दीकी से कहता है ना, बिगड़ते हुए देखा है। जो वहाँ पर किसी इंसान की आह इतनी भयंकर तरीके की निकल जाती है कि अब खोने को बाकी रहा क्या। ये बेवजह की गलती का भुगतान लगता है और ब्लेम बहुत ज़्यादा, आरोप बहुत ज़्यादा। एक एक बात दिमाग में रखना गाइस, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? देखो, यहाँ पर कुछ चीज़ों का बिगड़ना है ना, लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि एक उम्मीद भविष्य की तरफ रखो, जो आपकी किस्मत आपके लिए कहती है, जो आपका भाग्य आपके लिए कहता है, जो मालिक की ब्लेसिंग आपको आपके लिए कहती है कि जो आज बिगड़ा है कल सुधर जाएगा, लेकिन जो आपके हित का है वही सुधरेगा। तो बस यही प्रे करना कि मालिक जो बदलाव लाइफ में आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करने की क्षमताएं देना, ताकि आपकी योजनाओं पर डाउट ना किया जाए। क्योंकि जस्टिस जब होगा ना गाइस, तब जैसे कहता है ना कि बेवजह की चीजें हमारी लाइफ से जो है, जो हमारे काम की नहीं है, जो अवरोधों को उत्पन्न करती है, उनको तो निकाला ही जाएगा, चाहे आप मानो या ना मानो। वहां पर मालिक को यही नहीं कहना कि मालिक मेरे साथ जस्टिस इस तरीके से करो, तरीका नहीं बताना। हमारा हित हमसे ज़्यादा मालिक जानते हैं, है ना जी? तो खाना पूर्ति आपकी होंगी, क्षतिपूर्ति आपकी होगी, चाहे आपने इसके लिए प्रेयर की है ना की है, ठीक है ना? ये देखो, रहस्य बहुत ज़्यादा बने हैं और हर बार आपको आपका धैर्य खोता गया गाइस, हर बार खोया है। और जितना आप कहते हैं ना कि आपका धैर्य टूटा है ना, धैर्य का बांध टूटा है ना, उतना ही आपको इंतज़ार करना पड़ा। ये कार्ड यही कहता है कि आपने अपनी लाइफ में इंतज़ार का बहुत सामना किया है, कोई भी ख्वाहिश हो आपकी उसे पूरा करने के लिए, वो भी अपने हक की, है ना? कि ये पूरा हो जाए, ये खुशी मिल जाए, वो खुशी मिल जाए। दूसरे लोगों को देखते हो ना तो दिमाग में डाउट आता है कि सबको खुशी मिल जाती है, तो फिर यहाँ इतनी देरी क्यों? और जितना धैर्य रख रहे हो उतना धैर्य का ही परीक्षा ली जा रही है। अब बस करो ना मालिक, है ना? अब सहन ही नहीं होता, जितना मतलब इंसान का कलेजा होता ना उतना सह लिया। अब इस ये जो भी दुख का रीजन बन रहा है, कारण बन रहा है, या कोई लाइफ का रहस्य, उसे दूर करो। मुझे आसान लाइफ चाहिए। परसेप्शन, देखो ब्लैक और ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई आपकी आपकी देखो, अब इन 2-3 साल में, जैसा मैंने कहा ना कि आपकी किस्मत आपका साथ देने लगी है, जब से आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हुई, तभी से आपकी न केवल किस्मत आपका साथ दे रही है, बल्कि जस्टिस भी आपके साथ होना स्टार्ट हो गया है। चाहे नहीं दिखता है गाइस, या चाहे आपको ऐसा भी लग रहा है कि प्रॉब्लम देने वाले लोग तो अभी भी मुस्कुरा रहे हैं ना, कुछ ना कुछ हुआ है, कुछ ना कुछ हुआ है, आपको भी पता है। चाहे आपके पास थोड़ी बहुत खैर खबर आई होगी, लेकिन आपको भी पता है आपके साथ जस्टिस होना स्टार्ट हुआ है।
नज़रिया चेंज करो, आपको पता चल जाएगा कि ये 3 साल में आपके लाइफ के तकलीफ के थे या आपको लाइफ में कुछ ब्लेसिंग देने के लिए थे। इसके पीछे भी हिडन है गाइस कि किस तरीके की ब्लेसिंग आपको मिलती है, क्योंकि यहाँ पर मून की एनर्जी और यहाँ पर बात ही इस तरीके की आ रही है कि रहस्य कुछ छिपा हुआ सा, जो मतलब जिस लेवल तक की तकलीफ आपको मिली है ना, तो उस लेवल तक की खुशी भी आपको दी जाए। ब्लैक और ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई या कोई सी भी बटरफ्लाई अगर आपको दिख रही है, तो वो आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आने की बात कह रही है। वो है ब्लेसिंग, जिसका ग्रेटिट्यूड आप मालिक को दोगे, जो बिल्कुल एक अलग ही अनुभव होगा गाइस आपके लाइफ का। बिल्कुल अलग अनुभव होगा जो आपने कभी कभी फील नहीं किया है। ये सुख आपने कभी भोगा नहीं है, वो सुख आपको मिलने वाला है। सिर्फ इसकी कल्पनाएं की थी, इसके बारे में सोचा था, है ना, लेकिन वो मिलेगा। ये इतने बड़े धैर्य का रिवॉर्ड है गाइस, क्योंकि कभी घमंड नहीं रखा, सबकी हेल्प की है ना। सोलमेट, ये देखो इसके पास में ये कार्ड, ये बड़े भयानक कार्ड है। ये कम्बिनेशन जो है ना बहुत भयानक है, और इसी को लेकर देखो जस्टिस क्यों नहीं होगा। अब बन के दिखाए कोई आपके दुख का रीज़न, है ना, अब भागेंगे, अब कतराएंगे लोग, और ऐसे लोगों की एंट्री आपकी लाइफ में होगी ही नहीं, क्योंकि ऑरा मालिक आपके आपके लिए ऐसा बना रहे हैं कि ये लोग भटकेंगे ही नहीं आपके लाइफ में। क्योंकि अब क्या है, अब सकारात्मकता की एंट्री आपकी लाइफ में हो रही है। ये नकारात्मक लोग, इन्होंने एक बात कह लो, अब ये जो भी प्लानिंग बनाएंगे ना, कुछ भी योजना बना ले, 24 घंटा बैठकर ये योजना बना ले, लेकिन उससे आपका बुरा ना होकर आपका अच्छा ही होगा। अब ये कुछ भी कर ले, लेकिन आपकी प्रोटेक्शन और आपका ऑरा कुछ ऐसा बन रहा है कि इनके चाहने न चाहने से भी आपको सुख ही मिलेगा। इनकी योजनाएं इन पर ही भारी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड आना और यहाँ पर आपके नजरिए को चेंज करने की बात को कहा जाना, ये बिल्कुल क्लियर वे में कह रहा है, कहा जा रहा है। ऐसी पॉजिटिविटी का आपकी लाइफ में एंटर हो जाना कि नेगेटिविटी का कोई स्थान ही नहीं रहे, है ना, यानी रोशनी इतनी हो जाना कि अंधेरा आपके लिए मायने नहीं रखे, अंधेरा फील ही ना हो आपको। कुछ अच्छी एनर्जी का आपकी लाइफ में आगमन है बहुत जल्द। गॉसिप, ये गॉसिप ही करते रहेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल नया जन्म जैसा है, जिसके लिए बिल्कुल धन्यवाद करोगे आप। रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन जो होता है ना, ये बिल्कुल अलग होता है गाइस। अचानक से लाइफ में कुछ अच्छा हो जाना जिसकी हम उम्मीद नहीं करते, जिससे हमें ये लगे कि हमारा नया जन्म हुआ है या कुछ बेहतर हमारे लिए हुआ है। तो आज इस रीडिंग में आपके बचपन से लगाकर आपके मन में जो भी राज दबे हुए थे या रहस्य दबे हुए थे या कुछ ऐसी बातें जो शायद आपने किसी के साथ शेयर नहीं की होगी, मालिक के अलावा और कोई नहीं जानता होगा, वो बातें भी उभर कर सामने आई हैं। अगर वो बातें आपसे मैच की है, तो बिलीव रखना कि ये जो जस्टिस की बात और जो आने वाली ब्लेसिंग के बारे में आपको कहा जा रहा है, और जो इस तरीके के ऑरा के प्रोटेक्शन की बात कही जा रही है, कि ये लोग चाहकर भी आपके हक की खुशी आपसे छीन नहीं सकते या आपका कुछ भी गलत नहीं कर सकते, बाल भी बांका नहीं कर सकते, तो उस बात पर ट्रस्ट रखना, ठीक है। और जो भी लाइफ में दुख भोगा है, अब लाइफ में आगे इतना सुख मिलेगा कि उसको आप भूल जाओगे, इस पर भी बिलीव रखना, क्योंकि यहाँ पर यही कार्ड कहा जाता है, यहाँ पर यही कार्ड यही बात को कहता है कि फिर से नया जन्म होना और उस जन्म में आपको एक ब्लेसिंग है ना जी, तो वहीं पर आप ग्रेटिट्यूड दोगे मालिक को, ठीक है ना। तो इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है, उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारा जो भी दुख है, परेशानी है, तकलीफ है, उसका अंत कर दो, हमारे धैर्य का अब हमें रिवॉर्ड दे दो, हमें सुरक्षित कर दो, हमारी हक की जो भी खुशियाँ है वो हमें दे दो, और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे, ऐसी कृपा कर दो, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कॉमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।